नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। दोस्तों, अगर रास्ता सही मिल जाए तो मंजिल तक पहुँचना आसान होता है। ठीक इसी प्रकार अगर करियर का सही चुनाव कर लिया जाए तो कामयाबी कदम चूमती है और व्यक्ति सफलता की राह पर आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब करियर के चुनाव की बात आती है तब अक्सर लोग चुनाव करने में गलती कर बैठते हैं, जिससे काफी संघर्ष करने के बाद भी निराशा और असफलता का दर्द महसूस होता रहता है। दोस्तों, इस समस्या से बचने के लिए हस्तरेखा की सहायता ले सकते हैं। हाथों की बनावट और हस्तरेखाओं से आप यह जान सकते हैं कि ईश्वर आपको किन क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा। दोस्तों, हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अभिनय के क्षेत्र में करियर बनाने की सोच रहा है तो जरूरी है कि सूर्य पर्वत और शुक्र पर्वत उभरा हुआ हो। सूर्य पर्वत अनामिका के जड़ के पास के भाग को कहते हैं और शुक्र पर्वत अंगूठे के जड़ वाले भाग को कहा जाता है। दोस्तों, इसके साथ भी यह ध्यान रखिए कि हाथ की सभी उंगलियां कोमल और हथेली के पीछे की ओर झुकी हो। अनामिका उंगली की लंबाई मध्यमा उंगली की जड़ तक हो और भाग रेखा को कोई अन्य रेखा नहीं काटती हो। जिनकी हथेली ऐसी होती है वह अभिनय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त अवश्य करता है। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक लोकप्रिय होने के साथ ही अत्यधिक धन संपदा का मालिक भी होता है। उच्च अधिकारी बनने के लिए कैसी होती है हाथ की रेखा, आइए मैं आप सभी को बताने का प्रयास करता हूँ। सूर्य को सरकार एवं सरकारी क्षेत्र में सफलता का कारक माना जाता है। जिस व्यक्ति की हथेली में सूर्य रेखा स्पष्ट और गहरी होती है तथा इस रेखा पर शुभ चिन्ह जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज या सितारे का चिन्ह होता है, वह सरकारी क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करते हैं। छोटी उंगली का अनामिका उंगली के तीसरी पोर की जड़ तक पहुंचना मंगल पर्वत अथवा जीवन रेखा से किसी रेखा का निकलकर सूर्य पर्वत तक पहुंचना भी शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में अधिकारी होते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाने की सोच रहे हैं उन्हें यह देखना चाहिए कि शनि पर्वत यानी मध्यमा उंगली के जड़ के पास हथेली उभरी हुई हो। भाग्य रेखा शनि पर्वत पर आकर रुक गई हो। गुरु पर्वत यानी तर्जनी के पास हथेली का उभरा हुआ होना भी इस क्षेत्र में करियर बनाने में सहायक होता है। कुछ मित्र हैं जो डॉक्टर या चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन लोगों को बता दूं, जिनकी हथेली में बुध, मंगल एवं सूर्य उभरा हुआ होता है वह चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता एवं प्रसिद्ध होते हैं। कनिष्ठिका उंगली पर कोई सीधी रेखा हो और मंगल उभरा हुआ होना बताता है कि व्यक्ति शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में कामयाब होगा। मित्रों, यह थी आपके करियर के संबंध में कुछ विशेष जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है और आप हमसे जानना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम हमारे अबाउट सेक्शन में दिया गया है। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। मैं आप सभी का समाधान करने का भरपूर प्रयास करूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।